हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा वाला मैथ। आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2। तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर चुका हूँ। तुमने नहीं देखा तो देख सकते हो इसका प्रीवियस वीडियो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 है क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ईजी सम से। इसमें तुमको दो लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि लेसन का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम हमेशा 2 वेरिएबल्स पे फोकस करेंगे और उसको हम एक्स और वाई या ए एंड बी एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया देखो, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ए कॉस्ट ऑफ 3900, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 वेरिएबल क्या है, एक बैट है और बॉल है। तो तुम ले लो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है। 2 वेरिएबल को एक्स और वाई मैंने एज्यूम कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 3 बैट खरीदे, यानी कि एक बैट का दाम अगर x है तो 3 बैट का दाम कितना होगा, 3 × x, ठीक है। और एक बॉल का दाम है y, तो 6 बॉल का दाम कितना होगा, 6y, और टोटल दोनों का प्लस करके कितना आया है, 3900। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया और ये इक्वेशन फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसका अगर तुम सेकंड कंडीशन देखो, इसके बाद उसका मैं एक साथ करूँगा। बोला कि सी लेटर्स बाय 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर दिस 1300। सी बाइज अनादर बैट मीन्स नंबर नहीं बोला है तो हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। अनादर बैट डेट मीन्स विल 1 बैट, डेट इज 1 × x प्लस 3 मोर बैट, डेट इज 3 × y फॉर हाउ मच, डेट इज 1300, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, कि लेटर ऑन सी बाइज 1 मोर बैट, डेट इज अनादर बैट, डेट इज 1 बैट विल एज्यूम एंड 3 मोर बॉल, डेट इज 3 × y इक्वल टू 1300। तो दिस टू आर द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशंस एंड प्लॉट ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशंस तुम कोई भी निकाल सकते हो, बस ये इंश्योर करना कि वो फ्रैक्शन में ना हो और डेसिमल में ना हो, अदरवाइज प्लॉटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन 1 को पहले मैं रिड्यूस कर दिया। अगर तुम देखो यहाँ पे, तो अगर पहला इक्वेशन को तुम लोग देखो तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन को पहले मैंने क्या किया, 3y को इधर लेके गया और ये 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने पुट किया, या तो तुम ये वाला इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या पुट किया मैंने, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। पहला इक्वेशन में अगर तुम देखो, तो पहले मैंने x की जगह 100 पुट किया, तो x की जगह 100 पुट किया तो ये 3900, ये 3 × 100 क्या हो जाएगा, 300/6। तो 3900 मैंने 300 कितना होगा, 3600, और बाय नीचे तो 6 है ही, तो 6 × 1 = 6, 600 जा, तो ये y कितना आ गया, 600 आ गया, ठीक है। फिर सेम टू सेम x का जगह तुम x को 300 एज्यूम करो, तो जब 300 एज्यूम करोगे तो क्या होगा, 3900 minus 3 × 300/6, दैट इज 3900 माइनस ये 900 हो जाएगा बाय 6, यानी कि 3000/6 आएगा तुम्हारा आंसर। तो 3000/6 कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। वैसे करके तुम 700 एज्यूम करो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई निकालो। आइदर मिनिमम 2 निकालना है जरूरी, लेकिन उसमें तुम 3 या 4 भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स भी बना लिया इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का। जब मैंने 100 लिया तो वाई 600 है, ये 300 तो ये 500, ये 7 तो ये 300, ठीक है। वैसे करके तुम क्वेश्चन 2 में भी इसका सॉल्यूशंस निकालो और उसको प्लॉट करो। तो मैं अगर पहला वाला को प्लॉट कर दूँ 100 एंड 600, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 100 यहाँ पे, ये मैंने ये एक्स एक्सिस में भी 100 यूनिट्स से लिया है, यहाँ स्केल नहीं लिखा हुआ है, तुम लोग लिख देना 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे 100 एंड 600, तो 100 ये वाला एक्स एक्सिस पे और ये 600, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर अगर तुम देखो तो 300 एंड 500 था, तो 300 यहाँ से यहाँ तक 300 है और ये 500, डेट इज़ ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मिनिमम 2 सॉल्यूशंस में ही हो सकता है, अगर तुम आगे करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये वाला 2 में ही ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये रिक्वायर्ड पहला जो इक्वेशन है उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से ग्राफ पेपर पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा ऑप्टेन होगा, याद रखना, जब भी ये लीनियर इक्वेशन का तुम प्लॉट करोगे उसका सॉल्यूशंस निकाल के, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं ऑप्टेन हो रहा है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशंस तुमने निकाला है उसमें कुछ रॉन्ग होगा, ठीक है। वैसे करके तुम सेकंड इक्वेशन का भी अगर तुम निकालो, तो सेकंड इक्वेशन में भी देखो दिया गया कैसे निकाला मैंने, एक्स की जगह वाई 100 ले लिया और तो वाई 400 आया, 400 लिया तो 300 आया और 700 लिया तो 200 आया। इसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दिखाया है, देख लो ये वाला सेकंड इक्वेशन में, जब मैंने x की जगह 100 पुट किया तो 1300 - 100/3 यानी कि 1200/3 दैट इज़ 400 आया। फिर 400 ले लिया x की जगह तो 300, फिर 700 ले लिया तो 200। अब इसको भी अगर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तो क्या आया, देखो एक लाइन ही ऑप्टेन होगा, एक पहला ये वाला
हंड्रेड एंड 400, देन 400 एंड 300, देन ये लास्ट वाला 700 एंड 200, ठीक है। दो सोल्यूशंस मिनिमम में हो जाएगा, यहाँ पे तीन किया गया, फिर जब यहाँ पे ऐसे जॉइन किया गया दोनों लाइन को तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कॉमन सोल्यूशंस ये वाला पार्ट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बता नहीं है कि कॉमन सोल्यूशंस क्या है, बट सिर्फ ग्राफिकली दिखाना था। तो तभी देखो क्या लिखा मैंने, लिखा कि प्लॉटिंग द पॉइंट्स ईच टेबल वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, विल डू द नेक्स्ट सम्स इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।